आई एम स्टूडेंट ऑफ एम एस सी जोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर्स. टुडे वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक गोल्जी अपरेटस. डिस्कवरी ऑफ गोल्जी बॉडीज. गोल्जी बॉडीज गोल्जी कम्प्लेक्स भी होती हैं, गोल्जी अपरेटस भी. गोल्जी अपरेटस को नोटिसेबल किया जाता है विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ. इट इज़ कॉल्ड गोल्जी कम्प्लेक्स. गोल्जी कम्प्लेक्स को डिस्कवर किया था इटालियन फिजिशियंस कैमिलो गोल्जी ने 1898 में ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ नर्वस सिस्टम की इन्वेस्टिगेशन के दौरान. इट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर्स को डिस्कवर किया था डाल्टन एंड फ्लैक्स ने 1954 में. लोकेशन गोल्जी अपरेटस जो होती है प्रेजेंट होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स में लेकिन अब्सेंट होती हैं प्रोकैरियोट में. गोल्जी अपरेटस को एक्सटेंसिवली स्पेशलाइज होती हैं इन सिक्रीटरी सेल्स में. इट ये अब्सेंट होता है फ्यू सेल टाइप में सच एज द मैमिलियन रेड ब्लड सेल्स स्पर्म सेल्स ऑफ ब्रायोफाइट एंड ट्रिटोफाइट एंड सीव ट्यूब ऑफ प्लांट में. ए सेल्स जो होता है लार्ज गोल्जी कम्प्लेक्स भी होता है सेवरल स्मॉल वंस भी होता है. इट ऑक्यूपाइंग डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स इन डिफरेंट पोजीशंस. इन सिक्रीटरी एंड ऑब्जॉर्प्टिव सेल्स में इट लाई बिटवीन द न्यूक्लियस के दरमियान लाइज होता है. इनवर्टिब्रेट एंड प्लांट सेल्स में सेवरल स्मॉल गोल्जी कम्प्लेक्स होती हैं वो डिक्टोसोम कहलाती हैं. डिक्टोसोम जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड पैकिंग ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इनटू वेसिकल्स. सेक्रेटेड होती हैं थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म के जरिए सेक्रेटेड होती हैं. स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स वेरी इन साइज एंड फॉर्म इन डिफरेंट सेल टाइप बट लेकिन सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन होती है फॉर वन काइंड ऑफ सेल्स. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शो इट सेंटर स्टॉक ऑफ पैरेलल फ्लैटेड इंटरकम्युनिकेटेड सैक ऑफ सिस्टेनी एंड मेनी पेरिफेरल ट्यूबल्स एंड वेसिकल्स. सिस्टर्नी वेरी नंबर्स फ्रॉम 3 to 7 इन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स 10 to 20. इक्वली स्पेस होता है स्टैक में और सेपरेटेड किया जाता है बाय थिन लेयर ऑफ इंटरसिस्टर्नल साइटोप्लाज्म. सिस्टर्नी जो होती है वो फ्लैट होती हैं एंड कर्व्ड होती हैं. गोल्जी कम्प्लेक्स डिस्कनेक्ट प्लेटी होती हैं. टू पोल जो होती हैं आर कॉल्ड सीस फेस एंड ट्रांस फेस जो एक्ट करती हैं रिसीविंग एंड शेपिंग डिपार्टमेंट. सीस जो होती है वो फॉर्मिंग फेस होती है कनकेव साइड ऑफ स्टैक एंड ट्रांस जो होती है मैच्योरिंग फेस होती है कनकेव साइड ऑफ स्टॉक. सिक्रेटरी जो मटेरियल होती हैं वो रिच गोल्जी कम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से गोल्जी कम्प्लेक्स तक पहुँचती है ट्रांसपोर्ट वेसिकल के जरिए जो स्मॉथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पे बर्फ्ड ऑफ हो जाती हैं फ्यूज करती हैं गोल्जी सिस्टेनी के साथ ऑन सीस फेस पे. ट्रांस फेस से जो सिक्रेटरी वेसिकल्स होती हैं अराइज होती हैं दैट जो मटेरियल को डेस्टिनेशन पे ले जाती हैं. ट्यूबल्स जो होती हैं वो स्मॉल राउंड ट्यूबल्स होती हैं वो जो पेरिफेरी ऑफ सिस्टर्नी से राइज होती हैं. वेसिकल जो होती हैं वो गोल्जी कम्प्लेक्स के एंड पे लाई होती हैं और कनकेव सरफेस होती हैं. टू टाइप ऑफ वेसिकल होती हैं स्मूथ और सिक्रेटरी वेसिकल्स कोटेड वेसिकल्स. आर गोल्जी जो एलिमेंट होती हैं वो फ्लूइड के साथ फिल्ड होते हैं जो गोल्जी मैट्रिक्स कहलाते हैं. स्ट्रक्चर्स ऑफ ट्रांस फेस एंड सीस फेस फॉर्मिंग फेस ट्रांस फेस मिचरिंग फेस. ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो होती हैं वो फॉर्मिंग फेस पे पहुँचती हैं एंड लास्ट में सिक्रेटरी वेसिकल्स होती हैं वो मिचरिंग फेस को लीव करती है. स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स है. फंक्शन ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स का फंक्शन फर्स्ट इज सिक्रीशन साइगेट सिंथेसिस थर्ड सल्फोनेशन एंड फोर्थ अपोप्टोसिस फिफ्थ फास्फोरिलेशन एंड लास्ट सेल स्पेसिफिक फंक्शन. वी डिस्कस अबाउट वन बाय वन सिक्रीशंस. गोल्जी अपरेटस जो होता है इन्वॉल्व होता है इन डिफरेंट सेलुलर प्रोसेस. इट प्रिंसिपल रूल होता है सिक्रीशंस. गोल्जी प्ले रूल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोग्लाइकेन की तैयारी करने में हम किरदार अदा करते हैं जहाँ पे मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं इन द एनिमल ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. एनिमल के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में मौजूद होती हैं. पाथो सिक्रीशन फ्रॉम एंडोप्लाज्म रेटिकुलम टू गोल्जी अपरेटस. फर्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आउटर बॉडी होती है. न्यूक्लियर पोर्स एक्सचेंज करता है मटेरियल को न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ये एबंडेंट होता है एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में जो स्टोर करता है प्रोटीन को. स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ये लेक होता है राइबोसोम से एंड लिपिड को सिंथेसिस करता है. और फिफ्थ है राइबोसोम जो होते हैं अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में 6 मैक्रो मॉलिक्यूल्स और 7 ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स 9 गोल्जी अपरेटस एंड 6 फेस ऑफ गोल्जी अपरेटस ट्रांस फेस ऑफ गोल्जी अपरेटस एंड 11 सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी अपरेटस. सिंथेसिस इट आल्सो मेजर साइज इन द कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस और ये इंक्लूड होता है प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोमाइन ग्लाइकेन्स लॉन्ग एंड ब्रांच पॉलीसेकेराइड जो विच द गोल्जी अटैच करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इन द एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में टू फॉर्म प्रोटोग्लाइकेन में. इंजाइम्स इन द गोल्जी में जो इंजाइम होता है थ्रू द ज़ाइरोस के जरिए लिंक किया जाता है टू द कोर प्रोटीन्स. सिंथेसिस गोल्जी अपरेटस इज इन्वॉल्व इन द सेल सेक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं. सेक्रेटरी वेसिकल्स आर शोन जो ब्रेक कर देते हैं मेम्ब्रेन को ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल को टू द सेल मेम्ब्रेन.
सल्फोनेशन अनदर टास्क ऑफ गोल्जी इन्वॉल्व द सल्फोनेशन ऑफ स्टेन मालिकूल्स. स्टेन मालिकूल की सल्फोनेशन है जो पासिंग करती हैं थ्रू द ल्यूमा एंड थ्रू द सल्फर ट्रांसफरेज दैट जो गेन करता है सल्फर मालिकूल को फ्रॉम डोनर से कॉल्ड पैप्स. दिस जो प्रोसेस होता है अकर ऑन द ग्लाइको अमाइनो ग्लाइकेन्स और प्रोटोग्लाइकेन्स एज वेल एज ऑन द कोर प्रोटीन. ये प्रोसेस ग्लाइको अमाइनो ग्लाइकेन और प्रोटोग्लाइकेन्स के तौर पर रहता है जैसा कि कोर प्रोटीन्स. सल्फोनेशन परफॉर्म करती जनरली परफॉर्म होती है ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में. द लेवल ऑफ सल्फोनेशन का जो लेवल है इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटोग्लाइकेन. प्रोटोग्लाइकेन के लिए इंपॉर्टेंट है जो गिविंग द प्रोटोग्लाइकेन्स ओवरऑल नेगेटिव चार्ज. अपोप्टोसिस अपोप्टोसिस गोल्जी जो होते हैं अपोप्टोसिस में प्रोटेक्टिव रूल फर्जी का दायरा अदा करते हैं एज वेल एज टू द माइटोकॉन्ड्रिया. एन्यूली करेक्टराइज जो प्रोटीन होते हैं गोल्जी एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन्स रिसाइड करती हैं इन द गोल्जी में एंड प्रोटेक्ट करती है सेल्स को फ्रॉम अपोप्टोसिस से और बाय अनडेफिनेट मैकेनिज्म से. फास्फोरिलेशन जो होता है इसमें एटीपी की शक्ल में एनर्जी की जरूरत होती है. एटीपी को इंपोर्ट किया जाता है ल्यूमन में और गोल्जी के ल्यूमन में जिसको यूटिलाइज किया जाता है बाय काइनेज के जरिए सच एज सीज कैसिन काइनेज वन एंड कैसिन काइनेज टू. वन मालिकूल जिसको फास्फोरिलेट किया जाता है इन द गोल्जी में इस अपिलोको प्रोटीन है जो मालिकूल की शक्ल में होता है नॉन एज VLDL दैट इज कंस्टिट्यूट ऑफ ब्लड सीरम जो ब्लड सीरम का कंस्टिट्यूट है. वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट वेजिकल जो होती हैं रफ एंड प्लाज्म रेटिकुलम को लीव करती हैं ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं टू द सीज फेस ऑफ गोल्जी एपरेटस. फ्यूज करती हैं मेम्ब्रेन के साथ और इम्पेटी कर देती हैं कॉन्टैक्ट को इनटू द ल्यूमन्स. मालिकूल जो होते हैं ल्यूमन के अंदर मॉडिफाइड होते हैं और स्टोर किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ट्रांसपोर्ट के लिए. प्रोटीन जो होती है वो डेस्टिनेटेड होती है फॉर प्लेस अदर देन एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एंड गोल्जी एपरेटस मूव टू द ट्रांसफेस. प्रोटीन जो होती हैं वो गोल्जी एपरेटस और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम्स के अलावा अदर प्लेस पर डेस्टिनेट होती है और मूव करती है ट्रांसफेस में. जो ये गेट प्लेस ऑन द थ्री वेसिकल्स एक्सोसाइटोटिक एंड सिक्रेटरी एंड लाइसोसोमल वेसिकल्स पे ये जगह बना लेती हैं. यहाँ पे पाथ ऑफ सिक्रेशन ये पाथ ऑफ सिक्रेशन है जो हमने फर्स्ट पे डिस्कस किया था. सेल स्पेसिफिक फंक्शंस प्लांट टिश्यू में सेल्स प्लेट एंड सेल वॉल फॉर्मेशन होती हैं. स्पर्म सेल्स में एक्रोसोम डिवॉल्वमेंट होता है. सिक्रेशन ऑफ जीमोजेन्स इन द एक्सोक्राइन ऑफ पैंक्रियास की एक्सोक्राइन में जीमोजेन सिक्रेट होता है. और लीवर सेल्स में लिपिड की ट्रांसफॉर्मेशंस एंड सिक्रेशन होती हैं. सिमिलरली इसी तरह सिक्रेटरी जो फंक्शन होता है सिक्रेटरी फंक्शन को कैरी आउट किया जाता है इन द बर्नर्स ग्लैंड सेल्स एल्यूलर एपिथेलियम्स कनेक्टिव टिश्यू एज वेल्स. समरी एंड कंक्लूजंस गोल्जी एपरेटस जो होता है इज मेड ऑफ स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड स्टैक से बना होता है. ये रिसीव करता है सब्सटेंस को एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से. इट ये प्रोड्यूस करता है वेसिकल्स को जो कैरी ले जाती हैं सिक्रेशन ऑन टू द सेल मेम्ब्रेन. ये वेसिकल्स प्रोड्यूस करता है जो सिक्रेशन को ले जाती हैं ऑन टू द सेल सरफेस में. इसी तरह इट इज ई फंक्शन एज ए पोस्ट ऑफिस. ये पोस्ट ऑफिस के तौर पर काम करता है जहाँ द प्रोटीन एंड लिपिड्स आर टेकन जहाँ पे प्रोटीन और लिपिड को टेकन लिया जाता है और लेबल किया जाता है ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू अदर लोकेशन विद इन द बॉडी. जहाँ पे प्रोटीन और लिपिड्स को लिया जाता है लेबल एंड ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू अदर लोकेशन विद इन द बॉडी में दूसरी लोकेशन के तौर पे. थैंक यू.